शाहरुख खान के घर विराजमान हुए गणपति बप्पा, सलमान ने आरती उतारी गणपति बप्पा की और आमिर दिखाई दिए अपने बेटे के साथ गणेश जी की आरती उतारते हुए। यही तो खूबसूरती होती है दोस्तों त्योहारों की, त्योहार हमें करीब लाते हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस धर्म के हैं, और बॉलीवुड ने बखूबी इसे संदेश के तौर पर सामने पेश किया है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सामाजिक समरसता की नायाब तस्वीरें। जी हां, गणेश चतुर्थी आती है और पूरा जो बॉलीवुड है वो उतर जाता है गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए। जी हां, और ये मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से हैं, और मैं आपके सामने कई मिसाल पेश करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए किस तरह से सलमान खान पहुंचते हैं अपनी घर अर्पिता के घर पर, और अर्पिता के बच्चों के साथ सलमान जो हैं वो गणेश जी की आरती उतार रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि उनका अपना मजहब क्या है, मगर यही तो खूबसूरती रही है सलमान खान की। जी हां, सलमान ने अपनी फिल्मों में जितने भी पात्र किए हैं, हम कभी उन्हें खान के नाम से नहीं जानते, प्रेम के नाम से जानते हैं, टाइगर के नाम से जानते हैं। यही खूबसूरती बॉलीवुड की भी रही है। देखिए दोस्तों किस तरह से अर्पिता के घर पर सलमान जो हैं वो आरती उतार रहे हैं। और यही नहीं, माहौल में संगीत था तो सलमान बप्पा के संगीत पर कंधे उचकाते हुए भी दिखे। देखिए साहब, तो न सिर्फ सलमान बल्कि आमिर खान, आप देख सकते हैं यहां पर वो अपने बेटों के साथ हैं। ये पांच तस्वीरें हैं, एक एक करके देखिए। दरअसल यहां पर गणेश जी बैठे उनकी बहन निखत के घर में, बहन निखत और गणेश जी उनके घर में जो है बैठते हैं, और आमिर अपने बेटे आजाद खान के साथ यहां पर पहुंचते हैं, गणेश जी की आरती उतारते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये सब दिखावे के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि चाहे सलमान हो, आमिर हो या शाहरुख खान, एक अरसे से गणेश चतुर्थी पर इसी तरह से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए आए हैं। अब यह तस्वीर देखिए, शाहरुख के घर पर भी गणेश जी बैठे, उसकी यह तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी की है। तो आप देख सकते हैं तीनों खान जो हैं गणपति बप्पा मोरिया की खूबसूरती आध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी की शादी हुई थी जहीर के साथ। अब इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जहीर और वो दोनों गणेश जी की आरती उतार रहे हैं। कितना खूबसूरत नजारा है ना दोस्तों, देखिए। आज मैं आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि बॉलीवुड ये सिर्फ औपचारिकता के नाते नहीं करता है। बॉलीवुड कई त्योहार मनाता है, बॉलीवुड से जुड़े कई लोग त्योहार मनाते हैं, मगर गणपति बप्पा मोरिया का जो नारा है ना, ये नारा, ये आध्यात्मिक धार्मिक नारा आप हमारी कई फिल्मों में भी सुनते होंगे। जी हां, गणेश चतुर्थी कई फिल्मों के प्लॉट और प्लॉट के ट्विस्ट का हिस्सा रहे हैं। कई ऐसी फिल्में हैं, आपको याद है अमिताभ बच्चन की अग्निपथ, उसके अंदर अमिताभ बच्चन जब ये फैसला कर लेते हैं कि अब मैं अपराध छोड़ दूंगा और हाथ में गणपति लिए समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, तभी माफिया उन पर अटैक कर देता है और उसके बाद अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
उसी तरह से आपको नाना पाटेकर की एक फिल्म याद होगी क्रांतिवीर, और उसमें एक डायलॉग था, उस डायलॉग में भी आपको याद है नाना पाटेकर कहते हैं, याद है गणेश चतुर्थी के दिन किस तरह से तू अपने टकले पर गणेश जी की मूर्ति लेकर चला करता था। यही खूबसूरती मुंबई की है दोस्तों, जब गणेश चतुर्थी को लेकर यात्रा निकलती है ना तो उसमें कई मुसलमान भी शामिल होते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है और कुछ लोग इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं, मगर बॉलीवुड ने बार बार सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। अब देखिए ना कितना खूबसूरत देश है, अमिताभ बच्चन कहने को हिंदू मगर फिर खुदा गवाह में खुदा बख्शा किरदार निभाते हैं, या कुली के अंदर इकबाल का किरदार निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, सलीम जावेद कहने को मुस्लिम मगर इन दोनों ने बनाया था सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा हीरो विजय वर्मा, दीवार, त्रिशूल, टॉन। यही खूबसूरती है दोस्तों आर्ट की, यही खूबसूरती फिल्मों की है, और यही वजह है कि गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते शाहरुख दिखाई देते हैं, सलमान दिखाई देते हैं, आरती करते हुए आमिर खान दिखाई देते हैं। और यह सिर्फ बनावट नहीं है, ये सिर्फ बनावट नहीं है, क्योंकि जब ईद मनाई जाती है तो कई हिंदू एक्टर्स सलमान, शाहरुख, आमिर से मिलने आते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। यही खूबसूरती इस देश की रही है और इस खूबसूरती को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कौन चाहेगा कि अगर मुस्लिम त्योहार हो तो वो त्योहार सिर्फ मुस्लिम बनाए, या हिंदू त्योहार हो तो वो त्योहार सिर्फ हिंदू बनाए। नहीं, यही तो खूबसूरती इस देश की कि हम सब मिलकर बनाते हैं, इसीलिए हम इंडिया कहलाते हैं और हम दुनिया को कहते हैं, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। इंडिया, इसे मत भूलिएगा। एक बार फिर गणेश चतुर्थी को आप सबको मेरी तरह से हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और गणपति बप्पा का स्वागत अगले साल हम फिर करेंगे। फिल्मी बातें विद अभिसार।